श्री गीता विहारिणी महाप्रभूति चर सतगुरुदेव जी महाराज जी पधार रहे हैं। दो पंक्तियां जरूर कह दो, मेरे आ गए सतगुरु प्यारे भज के चरण चुपला, मेरे आ गए सतगुरु प्यारे भज के चरण दो, मेरे आ गए दिल के सहारे भज के चरण। सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की, जनता जनार्दन की, भजन बिन मानव तन के ही काम, भजन बिन
शब्दों के अर्थ अलग हैं, शब्दों के प्रति जो हमारे चित्त में दिमाग में एक इमेज बना हुआ है, इंप्रेशन बना हुआ है, वो एक अलग है। आप लोग अधिकांश उस इमेज से बंधे हुए हो, वही सोच के अर्थ कर लेते हो, इसलिए थोड़ा भटक भी गए। व्यास शब्द आए तो शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कोई जाति है, ऐसा भी लगता होगा जो कथा करने वाले हैं, कथा व्यास लिखते हैं, एक इमेज बने हुए हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इनका। आप लोग अर्थ का कम प्रयोग करते हैं, इमेज का ज्यादा करते हैं। पूजा जब शब्द आता है आपके दिमाग में एक इमेज है, कोई फूल पुष्प आदि, धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती, कोई हम मंत्र पढ़ रहे हो, ऐसे कर्म कांड को हम लोग पूजा बोलते हैं। ऐसा भी है, ये भी पूजा के नाम से ही होता है, लेकिन पूजा का इतना ही अर्थ नहीं होता। पूजन भाव यजन भाव ये सब अलग अलग अर्थ में है, लेकिन जैसे हम आपको कहें कि व्यास पूजा कल है, आप थाली बना के ले आए, उसमें नारियल भी होगा ये सब, और एक बार आगे रख देंगे फिर प्रसाद ले लेंगे, आपको लगेगा हमारी पूजा तो हो गई, ऐसा मान लिया। ऐसा ही मानने वाले फिर बाद में भटकाव में भी आते हैं कि इतने पूजा किया लाभ तो नहीं हुआ। हमारे बोलते हैं कि मथानी तो मारी, मथा हमने लेकिन मटकी न देखी, उसमें दही थी या पानी था। दही होती तो जरूर माखन निकलता, अब हमने अपनी तरफ से मथना प्रारंभ कर दिया, चेक नहीं किया। यहाँ से एक भटकाव, कुरीतियाँ, गंदी प्रथाएं, रीति रिवाज, जिन्होंने आज की डेट में विधि विधान का नाम ले रखा, उन्हीं रीति रिवाजों को हम लोग थोड़ा सा पूरा कर लें तो हमें लगता है जैसे मानो हमने वेद का विधान पूरा कर लिया हो। ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं धर्म के नाम पर। अगर ना धोया जाए तो ऐसा मान के चलना जैसे हीरे के ऊपर में धूल आ गई, मिट्टी आ गई, सामने वाले को तो मिट्टी ही दिख रही है, उसने अगर फेंका है तो मिट्टी समझ के फेंका है, दिख भी मिट्टी रही थी, लेकिन वंचित हो गया हीरे से। आज की जो युवा पीढ़ी, ये जो आपके धूमिल धर्म को देख, क्रियाएं धर्म की हैं, उद्देश्य अधार्मिक है, क्रिया में देखें तो लगता है धर्म है, आपके जीवन को देखें तो वो एक धार्मिक व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं पड़ते। मिट्टी के अंदर हीरा,
वो बोलते हमें नहीं चाहिए, आप उनको बोलते हो नास्तिक, वो आपको बोलते हैं अंधविश्वासी, दंभी, पाखंडी, आपको बुरा लगता है, शायद उनको न बुरा लगता होगा नास्तिक सुन लेने से जितना आप लोगों को बुरा लगता है। ये हम सारी चर्चाएं इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं व्यास रूप में, वो इस हीरे को धोते हैं। आपके पास अब भी हीरा है लेकिन वो धुला हुआ नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो लगता ही नहीं धर्म और अधर्म में अंतर क्या है। धार्मिक जितने आयोजन है, पूजा पाठ है, लोभ का बोलबाला है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो फिर पीढ़ी अगले आने वाली प्रश्न करती है कि लोभ अगर धर्म के नाम पे है तो अधर्म किसको बोलते हैं। छोटी छोटी बात पे श्राप, वरदान, ये कथाएं आती हैं, लगता है ऋषि मुनियों का भी मन असंतुलित सा हो रहा हो। वो जरूर पूछेंगे। व्यास भगवान जब आते हैं, इस अवतार का उद्देश्य है इस धूल को धोना, निखारना हीरे को। आपको हीरा देना नहीं है। जब व्यास जी भी आपको कथा सुनाएंगे यही कहेंगे भगवान की भक्ति करो, शब्द वही रहेंगे लेकिन भक्ति का वो अर्थ नहीं रहेगा जो आप लोग किए जा रहे हैं। व्रत पूजा का वो अर्थ नहीं होगा जो आप लोग किए जा रहे हैं। कहेंगे ये व्रत करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, आपको लगेगा वो तुम करते ही। इन्हीं भूलों को सुधारने के लिए, इन्हीं मैल को धोने के लिए ये अवतार है। हम लोग हर अवतार के अगर उद्देश्य को समझे, आध्यात्मिक भाव को समझे, शायद हमें ये सब मालूम पड़ जाएगा। वेद का, शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का, आचार्यों का उद्देश्य क्या था, अभी तो नहीं लगता। इसलिए एक निमित्त बन जाता है। व्यास पूजा जब आती है तो हम लोग भी उसी भाव से चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उसी भाव से हम लोग आपस में चर्चा और चिंतन कर लेते हैं इस समागम के माध्यम से, कि धीरे धीरे ये स्थिति बनती है। इन सब का उद्देश्य क्या है जब व्यास भगवान से पूछा गया, तो व्यास जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब का उद्देश्य ये है कि हम अपनी मनोवृत्ति को ठीक करें, जो हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग प्रातः काल से चर्चा चलाए हुए हैं, महत्वपूर्ण अंग है मन जीवन का, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना। जबकि हम लोग किसी भी आध्यात्मिक साधना में, चाहे वो तीर्थ रूप में करते हैं, व्रत रूप में करते हैं, पूजा पाठ के रूप में करते हैं, तो शरीर और द्रव्यों को महत्व देते हैं, मन को नहीं। पूजा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये आप पूछते हो, पूजा में मन कैसा होना चाहिए आज तक हमारे से नहीं किसी ने पूछा। हम किसी को कह दें ना व्रत कर लो, वैसे कम ही बोलते हैं, वैसी बात है, ऐसा बोल भी दे 20 मिनट बाद फोन आ जाएगा, वो क्या क्या लेना है, उद्यापन करना है तो क्या क्या करना है, पूजा में क्या क्या सामान चाहिए। ये आध्यात्मिक साधनाएं मन को सामने रख के थी। हम लोग समाज के ढेर लगा देते। हमने भागवत जी की कथा में देखा, इतना बाकी 6 दिन में लोग प्रयास नहीं करते बागा दौड़ी, जितना 56 भोग में कर ले। 2 डिब्बे कहीं से तो 1 डिब्बा कहीं से, अजीब सा वातावरण बन गया है। कौन सुधारे? हमारे आध्यात्मिक साधना में मूल घटक है मन, मन की वृत्ति, जबकि हम उसी पे ही ध्यान नहीं देते। उसके पीछे कुछ कारण भी है। आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए पब्लिक का, भगवान का नहीं। पब्लिक ने कह दिया तुम लोग बड़े भगत हो, तुमने मान लिया,
भक्ति की पहचान मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, ये तो है ही है, लेकिन भक्ति की पहचान ये भी है कि जो वास्तव में भक्त है वो रोता नहीं, वो भयग्रस्त नहीं होता, वो विषादग्रस्त नहीं होता। उसने हनुमान चालीसा कोई आप लोग की तरह नहीं पढ़ा कि सब सुख लय तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को। जो हनुमान जी के भक्त है काय को डरेंगे, और तुम्हारे यहाँ तो हनुमान जी ज्यादा लाल लाल डोरे पाए फिरते। हनुमान जी के भक्त कितने डरते, वो बड़े से बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाए तो डोरे जरूर लगते, जबकि पढ़ते हैं कि तुम रक्षक काहू को तो कितना छिपा लेंगे। समस्या क्या है, पब्लिक तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकती, केवल तुम्हारी क्रियाएं देख सकती। तुम्हें चाहिए पब्लिक का सर्टिफिकेट, इसलिए तुम क्रियाओं में तो भक्त हो जाते हो, मन का तुम्हें मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि पब्लिक तो पढ़ ही नहीं सकती। भगवान पढ़ते हैं मन को, वो ठीक है नहीं, इसलिए भगवान के हिसाब से तो पता नहीं कौन सी गति दुर्गति होगी। फिलहाल अभी तो पब्लिकली हम लोग भगत भी बहुत है और रो भी पूरी तरह से है, अर्जुन की तरह। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आश्चर्य होता है, तेरी बातें सुने तो लगता है तेरे जैसा कोई प्रज्ञावादी नहीं, तेरे रोने को देखे तो लगता है तेरे जैसा कोई मूढ़ नहीं। अशोच्यानंद व शोचस्तो प्रज्ञावाद सुभाष, तुम्हारी वाणी को देखे तो इतनी हाई फाई, और उधर से तुम्हारे रोने को देखे, तुम्हें परमात्मा की ओर से सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हें तो अभी यही भरोसा नहीं कि वो है भी या नहीं, पब्लिक की तरफ से सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। नतीजा क्या निकला, मनोवृत्ति ठीक ना हो, और अगर मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो वृत्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होगी। जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी वैसे तुम्हारा व्यवहार होगा, इसलिए मंदिर में जाने वाले और ना जाने वाले दोनों के व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखता। वही दंभ, वही कपट, वही झूठ, वही क्लेश घर में। हमारे यहाँ तो ये महापुरुषों का कहना है कि कैंसर की भी किसी एक स्टेज पे जाके हम बचने की उम्मीद कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जिनके नाम से असाध्य शब्द जुड़ा हुआ है, कष्ट साध्य नहीं, वो भी कहीं रिपोर्टें आ जाती है कि वो ठीक हो जाती है श्री प्रभु कृपा, हो जाती है किसी वैद्य की औषधि का प्रयोग उसके ऊपर में सकारात्मक रूप में। लेकिन बोले जो हीन भावना से ग्रस्त है, छोटी छोटी बात पे तकरार करना, छोटी छोटी बात को मुद्दा बना लेना, प्रेस्टीज इशू बना लेना, घर में अगर ऐसा एक भी है उस घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो शांति नहीं हो, मनोवृत्ति का इतना प्रभाव। अगली समस्या भी साथ में सुन लो, ये व्यास जी का आना क्यों, हमारी गली का गटर खराब हो गया। खराब तो गटर गली का हुआ है, संबंध तो उसका हमारे भी शौचालय से होता है, गंदगी तो हमारे घर में भी, बदबू हमारे घर में भी होगी, परेशानी हमारे घर में भी होगी। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, गटर पूरी तरह से साफ करने से बात बनेगी, या बस गटर पे ढक्कन लगा दें गंदगी दिखे ना और हम सोचे बात बन जाए। भक्ति मार्ग में कुछ हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी गंदगी को, अपनी बुराइयों को, अपनी बुरी वृत्तियों को, जिसने हमारे जीवन को खराब कर रखा, हम लोग भक्ति की बातों के गटर से ढक देते हैं। सामने वाले को लगे गए तो आदमी बहुत ही बड़ा ही सुखी होगा, इतनी आनंद की बातें करेंगे जैसे सारा आनंद यहीं पर था,
भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसा संभव नहीं, गटर धोना पड़ेगा। ये बातें तुम्हें कठिन लगती हैं, तुम्हारी आदत है सस्ती बातें सुनने की, बस खाली राम जी का नाम बोल दो, राम बोल दो, बस सारे पाप तुम्हें लगते है बस ये तो बहुत मौज हो गई। गटर साफ करना कठिन भी है और चुनौती भी है, कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन उपाय वही है। तुम कठिनता से डरते हो चुनौतियों को स्वी, तो धर्म तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, ये मान के चलो। धर्म तो है ही दुस्साहसियों का काम, जो हिम्मत करके आगे बढ़े। अब गटर साफ करना कठिन भी है और चुनौतियां भी उसमें बहुत है, कुछ भी संभव हो सकता है, इसके बावजूद भी और कोई उपाय नहीं। इन सारी बातों को जब हल्के लोग देखते हैं, सुस्त लोग देखते हैं, आजकल ऐसी भक्ति का बहुत प्रचार है, कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, एक बार रा बोल दो, राधा जी का एक बार रा बोल दो, बस ठाकुर जी वो लोग से भगे भगे आ जाएंगे। सुस्त बातें हैं, सस्ते लोगों के द्वारा किया गया प्रचार है। भगवान का मानना है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्गति तरिष्यति, दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन जब तेरी बुद्धि इस मूढ़ता के कीचड़ से बाहर निकलेगी, धुलेगी, तभी बात बनेगी, तदा गंदासी, उसके बाद तो काबिल होगा, अधिकारी बनेगा सुनने का और सुनने के बाद कुछ करने का। ये व्यास जी कह सकते हैं, सिर्फ हारमोनियम पे तो मधुर गला ही चलेगा, तुम मजे ही ले सकते हो, ज्यादा नहीं बात बनी। हमारे वो आदत पड़ गई है, इसलिए व्यास पूर्णिमा की जरूरत है। आपको बताया जाए व्यास जी के आने का कारण, कृष्ण के आने का कारण क्या है, राम जी के आने का कारण क्या है। अभी तो हम लोग और ढंग से चल रहे हैं, ये धूल है, कई धूल भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है, आवरण ढक्कन, सोने का पात्र बना दो, मैंने सोने का ढक्कन बना दो। उपनिषदों में आता है हिरण्य मयन पात्र सत्यस्यापीतं मुखं, सत्य का मुख धूलि से ढका हो तो सामने वाले को जचता भी है, धूलिया धो दे, बोले स्वर्ण से ढका हुआ है, सामने वाले सोचता है चलो क्या होता है, सोना तो है, ये और खतरनाक पक्ष है। व्यास के रूप में ही गुरुदेव का आना होता है, इसलिए गुरुदेव को सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरुदेव का मतलब तुम्हारे मनोरंजन करने का साधन नहीं है, आप लोगों ने ऐसा बना लिया, हम तो देख ही रहे, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हरिद्वार से अपनी तप साधना छोड़ के आप लोगों के बीच में आए, अब नहीं आते, इसलिए हम लोगों के क्षेत्रों में देखा इतने अच्छे अच्छे महापुरुष, आपको पता चल जाए ये बड़ी करनी वाले हैं, तो छुटते पहुंच जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे हमारा कल्याण कैसे हो। संसार समुद्र तार गोविंद, ये संसार रूपी समुद्र से हमारा तरण कैसे हो, ये नहीं पूछेंगे, कल्याण का मार्ग नहीं पूछेंगे। महाराज जी मेरा लड़का बहुत रोता है, कोई मिश्री पढ़ के दे दो, कोई धागा बना दो, कोई गड्ढा, तभी अच्छे संत की पहचान ये बन गई इमेज। आपको मालूम ही नहीं संत किसको बोलते हैं, तत्ववेत्ता महापुरुष किसको बोलते हैं, वो आते भी हैं लेकिन आपको उनकी वो जरूरत ही नहीं लगती। जब व्यास जी आएंगे वो तो वही कहेंगे ना जो कहना चाहिए। मानस में संकेत है सुंदरकांड जी में कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राजा का मंत्री गुरुदेव अपने शिष्य के सामने और वैद्य डॉक्टर मरीज के सामने किसी भय या लोभ के कारण मीठी मीठी बातें करता है, यथार्थ न बताए, उस राजा का राज भी नाश हो जाएगा, राजा समेत
शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा और रोगी के रोग में भी सुधार नहीं होगा, बताना पड़ेगा। गटर की गंदगी है तो गटर साफ करना पड़ेगा, और अगली लाइन साथ में बोलेंगे कि ये गटर साफ करना कठिन भी बहुत है, चुनौतीपूर्ण भी, बहुत चुनौती है वहां पर सफाई। इसके बावजूद भी बिना इसके साफ किए न तुम्हारे घर में की बदबू जाएगी न मोहल्ले की जाएगी। अब ये बात तो बड़ी मुश्किल से लगती है, कोई सरल तरीका बताओ। क्या सरल तरीका बताए? सरल तरीका तो फिर यही है कि ढक दो, दिखना बंद हो जाए, लेकिन बदबू नहीं बंद होगी। हमारे एक रुबाई आती है कि यूं थोड़ा सा उछलने से गोने महान क्या होंगे, जो छोटे कद के होते हैं थोड़ा उछल जाए लगता है 6 फुट तक हो गए, कितनी देर। यूं उछलने से थोड़ा गोने महान क्या होंगे, हंस तो हंस है, ये लिखने वाले हंस ही है, उदय बांधनी हंस, हंस तो हंस है, बगले समान क्या होंगे, और मोर का पंख लगा के घूमते हैं जो कौवे, वो सुन लें कि सिर्फ बाल रंग लेने से बूढ़े जवान क्या होंगे। क्या धर्मी होना और धर्मी दिखना एक ही पक्ष में बात है, धर्मी हो जाना अलग पक्ष है, और खाली धर्मी दिख जाना ये अलग बात है। इन सारे धूल को धोना ये व्यास जी का काम है, धूल को धो के निखारना और अंदर से उसी को प्रकट करना जो वास्तव में है, इसी का नाम संस्कृति होता है। संस्कृति का मतलब मानना होता, परिष्कृत करना होता, कोई चीज बनाना नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही, आप तो वही हो जो हो, लेकिन ऊपर की धूल। संस्कृति से मतलब था हम परिष्कृत करें, ऊपर की महल दो में आपको कोई नए हिसाब से लाना नहीं है, आप तो वही हो जो हो। अब हीरा मैला हो गया है, दिखेगी तो महल, अगला फेंक रहे तुम उसको नाश्ते कह रहे हो, धोने को राजी नहीं। ये हमारी जो गलत धारणा है, इसने हमें और हमारे अगली पीढ़ी को हीरे से वंचित कर दिया, जिद हटवा देता है कि धीरे धीरे धर्म मजबूत में आ गया, कट्टरवाद में आ गया, लोग उसको भी धर्म मानते हैं। इसलिए पार्लियामेंट में कभी कभी ये समस्या आती है कि धर्म निरपेक्ष कहें या मजहब निरपेक्ष कहें, वो मजहब और धर्म को ज्यादा कोई फर्क में नहीं ला रहे, उनका उद्देश्य मजहब निरपेक्ष था और शब्द प्रयोग कर डाला धर्म का, तो धर्म नहीं होगा तो फिर आधार में क्रिमिनल तो होंगे होंगे पार्लियामेंट में फिर। धार्मिक होना जरूरी था, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए धर्म किसको कहते, कास्ट बेस पे धर्म है, पैसे के बेस पे धर्म है, गोरी काली चमड़ी के बेस पे अच्छा बुरा धर्म है, यह धर्म गुणों के आधार पे, धृति क्षमा तमोस्तेयम शौच मित्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मन क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अगर इन गुणों को देखें तो सब जगह चाहिए। मान लो धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, अपने घरों को देख लो, 90% झगड़े इसलिए हो रहे हैं पेशेंस नहीं। 2 मिनट चुप रह जाते तो शायद समस्या न खड़ी होती, चैन निपड़िया पर लो। व्यास जी जब आएंगे थोड़ा सा धोएंगे, गंगा जी तो वही गंगा जी गोमुख से जो निकली, लेकिन जहां जहां तुम जाके नहा रहे हो वहां तक नाले कितने मिल गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सोचने को, तुम अपनी तरफ से गंगा नहा रहे हो, ज्यादा समझाने की कोई कोशिश करे तो जवाब मिलता है
हमारी तो भावना है बस, हमें तो हमारी भावना का फल मिले। गला वो केला तो नहीं खाते, केला तो वो भी खाने लायक भी है, ये भी तो देखना चाहिए। गौमुख से हर की पैड़ी तक कितने बीच में प्रवेश कर, नहीं तो क्या जरूरत थी गंगा मंत्रालय शुद्धिकरण कर, क्या किस लिए बनाया? जिस गंगा से सब शुद्ध होते हैं वो भी तो टाइम आया ना, उस गंगा को भी शुद्ध करना पड़ा। तो जिस धर्म से हमारा शुद्धिकरण होता है, व्यास जी कहते हैं धीरे धीरे वो टाइम भी आता है कि धर्म को भी शुद्ध करना पड़े। ऐसे ऐसे घटिया लोग शामिल हो जाते हैं, अविवेकी लोग शामिल हो जाते हैं, स्वार्थी लोग शामिल हो जाते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। व्यास जी का अवतार इसलिए केवल परंपरा नहीं, परंपरा न होते तो भी नुकसान था। ये परंपरा है ना, जो मनाते मनाते में चलो हम कैसे भी मनाते हैं मना रहे हैं। ये परंपरा न होती किसी को पता ही न होता तो हम कदा भी कैसे कर रहे होते। परंपरा ने सुरक्षित रखा, जिलत बना। तुम्हारा भी फर्ज बनता है जिलत खोल के देखो, खाली जिलते ही नहीं देखो। जैसे जिलत होती है वो अंदर के लिटरेचर को संभालती है, सुरक्षित रखती है, लेकिन हमें लाभ जिलत से नहीं होना, अंदर वाले से होना। ये परंपरा ने व्यास भगवान तो आए द्वापर युग के अंत में, और आज तक हम मना रहे हैं परंपरा के रूप में, तो जिलत तो बड़ी मजबूत है, लेकिन खोल के भी तो देखना चाहिए। जिलत का महत्व तो कम नहीं है, लेकिन फिर भी अधूरा है, क्योंकि जिलत भी तो इसलिए नहीं कि अंदर कुछ पृष्ठ है और उन पृष्ठों पे कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ हमारे काम आना है। तो हमें पता तो चले कि व्यास जी का आगमन क्यों हुआ, 9 लाख साल से ऊपर हो गए, राम जी का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्यों? ये परंपरा न होती तो शायद वो भी न मनाते जैसा आजकल मना रहे। लेकिन इसी क्रम में सही बोलने सुनने का भी तो एक मौका मिल गया। तुम्हारे को मजबूर होते सुनने को मौका मिला कि इतने साल हो गए करते करते लाभ तो कुछ नहीं हुआ, तो चिंतन में आए ना। जब सूरत में गए तो उन्होंने रामनवमी पे हमारे लिए टॉपिक यही रखा कि इस बार महाराज जी आप ये बोलोगे कि क्या राम जी हर रामनवमी पे कौशल्या के यहाँ अवतार लेंगे, दशरथ के यहाँ अवतार लेंगे, कोई एक रामनवमी तो हम ऐसी मना लें शरीर छूटने से पहले पहले कि राम जी हमारे हृदय में अवतार ले लें, तो हमारा रामनवमी मनाना सार्थक। उसके लिए सीधी सी बात, हमें कौशल्य होना पड़ेगा। हर बार हम मनाते जरूर है, लेकिन बात यही करते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य, उधर ही पहुंच जाते हैं। बोले कोई रामनवमी ऐसी नहीं आएगी कि शरीर छूटने से पहले पहले वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, तो कैसे करें? बोले कौशल्या को पढ़ना पड़ेगा, दशरथ जी को पढ़ना पड़ेगा, उनका हृदय कैसे था। मामला फिर वही मन पे आया, जिसको हम देख के राजी थे, क्योंकि हमें चाहिए दुनिया का सर्टिफिकेट। दुनिया हमारे मन को पढ़ नहीं सकती, दुनिया हमारे बाहर के हाव भाव को देखती है, उससे बात नहीं बनती। वाणी में सीधा सीधा संकेत है, करतूत पशु की मानस जात। हम क्रियाएं तो कर रहे हैं पशुओं की, जाति हमारी मनुष्य है, मनुष्यता होनी चाहिए। फर्क कहाँ आ रहा है कि अंतर अग्नि
हमारे अंदर में तो आग लगी हुई क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की। बाहर तन स्व, अब बाहर हम लोगों ने व्रत रख के, पाठ करके, आज एकादशी है, ही नहीं कर, अपने शरीर को ऐसा बना रखा, अब लोगों को हमारी अंदर की आग तो नहीं दिखती, तो बाहर का प्रोग्राम दिखता है तो लगता बड़े बगल। हम भी खुश हैं इतनी दुनिया में कह रही है, हमारे अध्यात्म में ये गणित चलता ही नहीं। अध्यात्म कहता है कि जीवन का गणित और होता है, कागजों का मैथ गणित और होता है। कागज का गणित ये कहेगा 10 में से 9 निकाल दो या 10 में से 1 निकाल दो तो बाकी 9 रहेंगे। लेकिन एक अध्यापक क्लास में पूछ रहा था, जब क्लास में पूछ रहा था ये बात, तो ऐसे नहीं पूछा 10 में से 1 गया तो बाकी कितने 9। उसने कहा एक बाड़े में 10 भेड़े थी, उसमें 1 निकल गई तो बाकी कितनी रही। सारे बच्चे बोले 9, उन्होंने तो वही गणित पढ़ रखा था। टीचर ने कहा नहीं, एक बच्चा था जिसके पापा जी काम ही यही करते थे, भेड़ बकरी चराने वाले। उसने कहा 1 अगर निकल गई तो पीछे 0, कुछ नहीं बचना, क्योंकि भेड़ 1 जाए तो भेड़ के पीछे। अब तुम कागज का गणित लिए बैठे, प्रैक्टिकल में इसको भेड़ चाल कहने लगे। बुरा न मानना, रसोई में कागज का गणित ये कहते हैं कि एक माता जी अगर आधे घंटे में 10 फुलके बनाते हैं तो 10 माताएं भेज दो तो 100 बनते हैं। वो तो गुणा ही तो करना कागज, लेकिन प्रैक्टिकल में ट्राई करना, अगर 10 घुस गए तो 1 भी नहीं बनते। प्रैक्टिकल का गणित मतलब जीवन का गणित, जरूरी नहीं जो कागज पे। जीवन कौन पढ़ता, अभी तो खाली किताबें पढ़ रहे। बहुत उदाहरण ऐसे मिले कि जीवन का गणित कुछ और होगा, वही का वही कागज में और होगा। एक कमरा 10x10 का, एक मिस्त्री मजदूर अगर 14 दिन में बना सकते हैं या 10 दिन में बना सकते हैं, कितने मजदूर मिस्त्री लगा दें 1 मिनट में बन जाए। ज्यादा ज्यादा यही करोगे 10 को 24 से जरब दे दोगे घंटे बन जाएंगे, फिर उसको 60 से फिर जरब दे दोगे मिनट बन जाएंगे। बोलते ना इतने मजदूर मिस्त्री आ जाए तो 1 मिनट में लगे। गणित तो ऐसे निकालोगे, चाहे उतने आदमी उसमें घुस भी सके या असंभव ही हो जाएगा बनना। लेकिन हम जब यूं कहेंगे ना बना यूं, तो लोग ताली बजाएंगे कि महाराज जी ने तो कमाल ही कर दिया, 10 दिन में बनना तो 1 मिनट में बनवा दिया। ऐसे महाराज जी बहुत घूम रहे, और ज्यादा गणित जानने वाले उनके चक्कर में फंसते। तब व्यास जी की जरूरत, कथाओं का महत्व है लेकिन प्रथम चरण, यही सब कुछ न समझ लेना। प्रथम चरण में पहले हम आपको राम जी की कथा सुनाएंगे, फिर आपको आपके जीवन की कथा सुनाएंगे, तब आप तालमेल बिठाना कहां गलत है। तब नानक कह रहे हैं अंतर अग्नि बाहर तन स्व, गल पाथर। कोई आदमी समुद्र पार करना चाहता है और गले में पत्थर बांध लिए खूब सारे, और सोचा बस अब छलांग लगाऊं पार हो जाऊंगा, ये गले में खूब सारे पत्थर बांध लें तो अथाह समुद्र को कैसे पार कर लें। इतना उसके लिए तो हल्का होना पड़ता है,
हम कुछ ऐसे ही हैं, दुनिया भर की वासनाओं के, दुनिया भर की व्यर्थ की चेष्टाओं के मन में पार बनाए हुए हैं, और पार होना चाहिए। तब नानक जैसे आए, बोले ऐसे संभव नहीं, बाहर ध्यान, बाहर ज्ञान, ध्यान स्नान, ये बाहर से क्रियाएं हमारी ज्ञान की हो रही, ध्यान की हो रही, स्नान व्रत आदि की हो रही, लेकिन अंतर व्याप है लोभ स्वभाव। आप अगर तीर्थ भी कर रहे हो तो किसी ने आपको लोभ दिया, आप अगर 16 सोमवार रख रहे हो श्रावण में बड़ी भीड़ लग जावे तो कोई पंडित जी ने लोभ दिया होगा, तेरे लड़की को लड़का मिल जाए ऊपर, नहीं तो श्रावण छूटते ही शिव जी के मंदिर में कोई दिखता ही नहीं। हम भी कभी कभी किसी को बता देते हैं 16 सोमवार, नहीं 16 तो नहीं बोलते, श्रावण के सोमवार ऐसा। अब एक रह जाता है, हमारे पास फोन आने शुरू होते हैं, बोले महाराज जो एक रह गया है, उसका उद्यापन करना है, उसको भोग की बड़ी चिंता रहती है कि कब भोग पड़े। एक पहले में फोन आ जाएगा, क्या हुआ अभी तो 6 दिन पड़े, नहीं नहीं सामान लिखवा दो ना, कहीं उस समय मिले ना, तो हमारे को लगता है ऐसी कौन सी पाठ पूजा। हमारे यहाँ तो मानते हैं सांस सांस सुमिरो गोविंद, तुम्हारी पाठ पूजा तो सांस के साथ होती है, जब तक सांस है तब तक पूजा, सांस की तरह पूजा है, इसके 5 भाव आते हैं, जब तक सांस है तब तक पूजा है और सांस की तरह पूजा है। क्या सांस हम 15 मिनट सुबह लेते हैं 15 मिनट शाम को, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं, पूजा तो वैसे करते हैं आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को, हमको और करो तुम्हारा जी और काम भी तो करते हैं। सांस लेते समय तो कभी नहीं सोचा, बोले ऐसे हो सकता है, हम उनको बोलते हैं पूजा होती सांस की तरह, कोई लोग पूजा भोजन की तरह करते हैं, भूख लगी तो भोजन किया, ऐसे ही हमारे अंदर में भी कोई कामना है कुछ है तो किसी ने बता रखा है, हमने पूजन कर दिया, कुछ दवाई की तरह ले, जब रोग हो नवरात्रों में पूजा करेंगे, आगे पीछे छुट्टी, मंगलवार आ जाए ऐसे करते हैं। हमारे बोलते नहीं, प्राणों की तरह हमारी पूजा होनी चाहिए, श्वास की तरह, सांस सांस सिमरो गोविंद। जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, हमेशा हर काल में हर क्षण अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अर्जुन के तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, पहले तो लगा हमेशा कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब युद्ध करूंगा तो हे कृष्ण तेरा स्मरण होगा या सामने खड़े दुश्मन को, लेकिन भगवान कोई कम नहीं है, वो भी बड़े दावे से कह रहे। अब आप लोग समझो इन बातों को, तब भगवान कह रहे मुझे यही तो कला तेरे को सिखानी है, मैंने तेरे से ये युद्ध दुर्योधन वाला युद्ध नहीं करना, मार काट वाला या भीम की तरह जोश वाला नहीं करना, धर्म युद्ध, युद्ध भी होगा और धर्म भी होगा। तस्मात सर्वेषु कालेषु, ना समझ में आ गए अर्जुन की ये बात, आप लोग भी कर समझते हैं। हम आपको रोज ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको पर्ची दिया था, ये सोच के कि पर्ची के हिसाब से दवाई लो, और तुमने पर्ची का ही पाठ करना शुरू कर दिया, दवाई भी खाई। हम रोज पर्ची का पाठ किए जा रहे हैं, जो रोज हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि महाराज हम रोज इस चौपाई का पाठ करते हैं, नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा। तुम्हारा जी फिर मुझे कोरोना क्यों हो गया, हमने कहा हनुमान जी से पूछना पड़ेगा कि जब लक्ष्मण मूर्छा हुई थी, जब तुम्हारा नाम लेने से रोग दूर हो जाए।
रहते हैं, तो हे हनुमान जी तुम संजीवनी ले दिखाए तो गए, खड़े खड़े भी ठीक कर देते। तुम भक्तों को एक मिनट में भूल जाते हैं, लाए संजीवन प्राण उबारे। जब हनुमान जी आप ही संजीवनी ला के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, तुम कैसे इतनी जल्दी पचा लेते हो ये बातें? जो इस पंक्ति का पाठ करेगा रोक दियो, गलत लिखा है। हम पूछेंगे कहाँ लिखा है जो पंक्ति का पाठ करेगा, ये तो तुम्हारी बनाई बातें हैं। लिखा तो ये है कि उसके रोक जाएंगे जो सुमेरे हनुमान बल, जो हनुमान जी के बल का बुद्धि का स्मरण करेगा। उनका बल भी 9 प्रकार का है, वो स्मरण करे तो वो भी बलिष्ठ हो जाए। तुम्हारे यहाँ तो मनोबल टूटा हुआ, तुम्हारे यहाँ तो छुट्टा लगे, आँख में चोट लगे, दवाई बाद में करोगे, पहले तो समझाने वाले आएंगे, कोई बात नहीं, सब कुछ सहन करना पड़ता है, जो लिखा है वो तो हो नहीं है, चलो हो गया काम। तुम्हारे मनोबल को तोड़ के रख देते हैं, बुद्धि को मूड बना देते हैं। यही कारण है कि इस पूर्व की तरफ में आविष्कार कम है, यूरोपियन कंट्री में ज्यादा, वहां 2-3 बार एक्सीडेंट हो जाए तो होल बॉडी स्कैन करते हैं, कमी क्या है शरीर में, वो जानबूझ के तो नहीं करता। हमारे यहाँ 2-3 बार हो जाए तो सीधा शनि यंत्र लेके बैठे, दवाई नहीं निकालेंगे, आंख नहीं चेक करेंगे, सर्वाइकल नहीं चेक करेंगे, ये सर्वाइकल वाले की गर्दन घूमे तो चक्कर आ सकता है। ऐसे किसी को सर्वाइकल का रोग हो, गड्डी चला रहा है, पीछे से हॉर्न बजाया, उसने मिरर की तरफ देखा और आया चक्कर तो ठुक जाएगा। वहां वाले लोग तो लाइसेंस ही कैंसिल कर देते। हमारे बोलते शनि की दशा, कसूर तो देख के राजी नहीं, कारण तो देख के राजी नहीं, बुद्धि को मूड बनाने के लिए धर्म नहीं, अविवेकी होने के लिए धर्म नहीं है। सत्संग संतों का समागम विवेक के लिए, हम लोग बिल्कुल इसके विपरीत चलते हैं। इसलिए प्रयास करो, इस भाव में आओ कि हम लोगों ने सत्संग का पूरी तरह से लाभ लेना है, गटर को साफ ही करने में भलाई है, धोखा देने के लिए ढक देने में भलाई नहीं। ये मीठी मीठी बातें करके ऊपर ऊपर से कवालियां भजन गा के हम बता दें कि हम भक्त हैं और अंदर से बिल्कुल नहीं। हमने एक दो बार जागरण में देखा, हमारे अपनी मंडली थी बहादुरगढ़, 9 बजे का समय, जब हम पहुंचे तो कोई तैयारी नहीं, मंडली वाले बाद में आए, वो तो सोचे बेटे 11 बजे से पहले होते ही, हमें आगे जाना, जोर मारा हमने तो मंडली वाले आए, जो वहां मंदिर के पंडित जी थे, सारा काम उनसे करवा रहे, पंडित जी तखत लाओ, पंडित जी चंदन लाओ, पंडित जी कहीं से लोटा लाओ, ऐसे कहीं से पूरा काम पंडित जी से करवाया। पंडित जी इतनी देर से आए, कोई चाय तो पिलाओ, पंडित जी चाय पिला रहे, इतना संकोच हो रहा था हमारे को, उससे भी ज्यादा हमें अजीब सा लगा। कब जब तैयारी हो गई, हमने कब शुरू करो कुछ तो बोलो ताकि लोग आ जाएं। उन्होंने पहला भजन ये बोला कि आह मैया जी ऐसी नो करते हैं, क्या बोला, हमने कहा बंद कर दो, आधे घंटे से तो हम ही देख रहे हैं, तुमने न दरिया बिछाई, पंडित जी से काम करवा रहे, तखत भी, लोटा भी, गिलास भी, कलश भी, फूल माला भी, वो बेचारे लगे हुए, आयोजन तो 11 बजे आना, उनको पता है इससे पहले शुरू नहीं, और पहली भेंट बोली जा रही है आह मैया जी ऐसी, और सब नाच रहे। क्या कहें, जब मार्क्स ने कहा था, यहाँ के महाराजियों को बड़ा बुरा लगा, बड़े बड़े संतों को बुरा लगा था कि भारत में धर्म इस प्रकार से लोग अपना रहे हैं जैसे कोई आंख बंद करके अंधेरे में शराब पिए जा रहा है। शराब भी पी हुई है भी अंधेरा और आंखें भी बंद है, बस
बोले बाएं हो जाओ तो बाएं हो जाएंगे क्या? बहुत बुरा लगा था यहाँ के लोगों को, लेकिन गलत नहीं है। चोट जरूर लगती है, लगनी चाहिए भी। ये चोट शरीर पे नहीं ली, ये जो पांडित्य से भरे हुए लोग होते हैं उनके अहंकार पे चोट लगती है। बोले जब मालूम ही नहीं, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हें चलानी भी आती है, गाड़ी में पेट्रोल भी है, गाड़ी में 30 लाख के ये मान लिया, तो गाड़ी में बैठ के स्टार्ट किया, अब यही नहीं पता कहाँ जाना। तो बोले निष्प्रयोजन साधना, विधि भी होगी मान लिया तुम्हारे पास, लेकिन प्रयोजन पता नहीं, तो ये सारी पढ़ाई लिखाई सार्थक नहीं। वेदांत यू मान, सब कुछ आने के बाद भी तुम्हें प्रयोजन, अगर निष्प्रयोजन चल पड़े तो सार्थकता समाप्त हो जाएगी। व्यास जी आते हैं सारी भूलों को ठीक करने, और वो तो करेंगे आके, जो वास्तव में व्यास रूप में गुरुदेव होंगे वो रटी रटाई कहानी नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही धूल को धोएंगे। उस धोने में चोट भी लग सकती है, हो सकता है थोड़ा हीरा तराशना भी पड़े, काटना पीटना भी पड़े, कपड़े को धोने में डस्टिंग करके भी हो सकता है, झटका देके, साबुन लगा के भी हो सकता है, कभी कभी दाग होते हैं तो केमिकल भी लगाना पड़ता है, रगड़ना भी पड़ता है, 2-3 जगहों से तो कपड़ा छिल भी जाता है, कालर वाली जगह पे हमने कई उनका देखा, रगड़ना पड़ता है। आपको छिलने से डरे तो बड़ी समस्या है, इसीलिए प्रयास करो। ये जो 3 दिन का हम लोगों को समय मिला है, इस समय का आप लोगों ने सदुपयोग किया। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम और है, आयुर्वेद जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग रहने वाले हैं भारतवर्ष के, जो 6 ऋतुओं से जिनका वास्ता पड़ता है, ऋतुओं के अनुसार हमारा शरीर ढलता है। साल में 6 बार उसी क्रम में हमारा स्वभाव बनता है, उसी क्रम में हमारे फिर व्यवहार बनते हैं। हम लोग उस पद्धति को भूल गए कि अगर रोग हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, हमारे स्वस्थ होने की परिभाषा क्या है, क्या केवल शरीर से स्वस्थ होना स्वस्थ होना है। अब UNO भी मानने लगा है मन से लोग ज्यादा कमजोर हैं, उससे भी ज्यादा कमजोर हैं इमोशनल बॉडी, उन्होंने शब्द प्रयोग किया। हमारा भावनात्मक शरीर बिल्कुल अस्वस्थ है, बच्चे माता पिता से अलग हैं, माता पिता बच्चों से अलग हैं, पति पत्नी भी कभी इकट्ठे कंपनियों में होते हैं, लड़की लड़का शादी कर लेते हैं, शादी बाद में होती है, सगाई से पहले ही, मतलब सगाई के बाद शादी से पहले लड़की की ट्रांसफर कहीं हो जाती है, तो होने वाली पत्नी कहीं और पति, ये अंदर ही अंदर से साइलेंट ऐसे फीचर हैं जो हमारी भावनाओं को तोड़ते कमजोर करते। इन सारी बातों का प्रभाव हमारी नींद पे पड़ता है। आजकल एक बीमारी चली हुई है IBS के नाम से, इरिटेटिव बॉल सिंड्रोम, नींद नहीं आती, इरिटेट होकर सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न जब ज्यादा आते हैं एक्टिव होके हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता, दिन में आधे सोते आधे जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, आसपास के लोग हमारे को इधर उधर से हट जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार से कदर अकेलापन से लगता है, सोशल आइसोलेट हो जाते हैं। धीरे धीरे नई बीमारी आई, इन्वॉल्यूशनल मेलन के लिया, 50-55 के बाद में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ये सब किसी लिए? आप सोचते थोड़ी, आपको सिर्फ शुगर का पता है, ब्लड प्रेशर का, ये जो अंदर जो घुन लगा पड़ा है,
हमारे मनोविज्ञान में आता है कि आपने ऐसी छड़ी रखी हुई है जिसके अंदर घुन लगा हुआ है, वो दिखने में तो बड़ी बढ़िया लगती है छड़ी, और सामने को कीड़ा मकोड़ा भी आ जाए ना और उसको उठा के मारने लगो तो मकोड़े तक बाद में जाती है, छड़ी टूट जाती है। आपको तब पता चलता है कि दिखने में छड़ी थी, अंदर जान तो एक गोली खा लो एलोपैथी की एसिड बनता है, अंदर तो जान नहीं है। जिस शरीर से तुमने काम करने, जिस शरीर से हमने दुनिया चलानी है, उसी को गुण लगा पड़ा, ऊपर से अच्छा दिखता है। रही सही कसर ब्यूटी पार्लर में जाकर निकाले आते और अच्छा लगे, चाहे खराब हो रहा हो, आयुर्वेद पद्धति से हटके उसका प्रचार प्रसार हो, आप लोगों की भाषा में आप तक आए। हमारे डॉक्टर रचना पराशर फरीदाबाद से, पहले हमारी जो निकल रही है अब गीता भागीरथी, एक लेख हमेशा लिखा होता है आपकी भाषा में, चिकित्सकीय भाषा में नहीं, वो तो स्टूडेंट्स को समझ में आता है, जो पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आता है, हमारी सरल भाषा में रोजमर्रा के जो हमारे पास सामान है, लंबे चौड़े नुस्खे नहीं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में किचन थेरेपी बोलते हैं, रसोई के अंदर जो हमारे पास सामान है उसको हम औषधीय गुणों के अनुसार कैसे प्रयोग करें, आप लोगों को आदत ही नहीं। काली मिर्च ले आएंगे जरूर, मसाला भी आपको 6 महीने पहले का पिसा हुआ मिलेगा, ज्यादा एक्सपायरी हो गए तो लंबे किलो के ले आते हो, मिक्सी में पिस के आ गए, सारा तेल तो उसका निकल ही जाए, सूख जाए, रूखे रूखे छिलके आपके पास आवे, वो भी 20 दिन खाओ, काली मिर्च है आपके पास, अजवाइन है, अजवाइन का तो तेल निकलता है, जब मिक्सियों में पिसेगी मशीनों में तो तेल के बिना ही आपके पास छिलका आएगा। मिसाले बनाने वाले बड़े करोड़ों अरबपति हो गए, शरीर तो बिल्कुल रोड पे आ गया, वो करोड़ में आ गए और मसाले खाने वाले जब बिना दम के होगा तो कैसे बनते। आज इसी भाव को सामने रखते हुए हमारी औषधियां दिव्य है, इन औषधियों के दिव्य गुण क्या है, इस भाव से एक रचना डॉक्टर रचना राशा जी के द्वारा आप लोगों के समक्ष आज आएगी। हम चाहेंगे एक बार उस पुस्तक का विमोचन हो। हमारे डॉक्टर वशिष्ठ जी जो स्वयं भी एक लेखक हैं, आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक हैं, श्री राजेश्वर जी वशिष्ठ एक स्वतंत्र लेखक के साथ साथ बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। पहले हम लोग पुस्तक का विमोचन करेंगे और उसके बाद वो 2 शब्द इसके विषय में बोलेंगे, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। एक बार उसी भाव में आके जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, हम चाहेंगे डॉक्टर रचना पराशर जी आगे आए जल्दी। सच्चिदानंद भगवान बोलो, धर्मंतरी भगवान की। काम खड़ा कर इधर, यहाँ तुम बैठ जाओ, आपको यहाँ काम है।
इधर जाओ। Thank you.
मैं आदरणीय गुरुदेव को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे धर्म पर एक वैज्ञानिक विवेचन सुनने का अवसर है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे अवसर मेरे जीवन में आए जहाँ मैंने बहुत स्वनाम धन्य गुरुओं को प्रवचन देते सुना, लेकिन क्षमा चाहूंगा कहते हुए वहां धर्म का वह रूप था जो बहुत प्रचलित है। आज पहली बार मैंने आपको सुनते हुए यह अनुभव किया कि धर्म एक वैज्ञानिक प्रकार का अनुशासन है और उस अनुशासन को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता। पहली बार मैंने सुना कि यहां इस चर्चा में कार्ल मार्क्स का नाम भी लिया जा सकता है, अन्यथा स्थिति तो ये मानी जाती है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें तो बहुत सीधा सीधा साफ साफ बंटवारा है कि अगर आपकी वैज्ञानिक दृष्टि है, आप तर्क से बातों को मानते और समझते हैं तो सीधे सीधे आप काम करते हैं और आप के बारे में कहा जा सकता है कि आप राष्ट्रप्रेमी हैं। लेकिन आज आचार्य का प्रवचन सुनकर मैं गर्व से भर गया हूँ और ये महसूस करता हूँ कि किसी भी वैज्ञानिक दृष्टि को हम अपने धर्म के साथ जोड़ सकते हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे सिद्धांत कार्ल मार्क्स के रहे हों, सार्त्र के रहे हों या दुनिया के बहुत बड़े बड़े विद्वानों के रहे हैं, मूल रूप से अगर उन्होंने भारतीय परंपराओं का अध्ययन किया है तो ये सारे विचार यहीं से हैं। जिस जनवाद की प्रगतिशीलता की हम बात करते हैं, वैसा जनवाद और वैसी प्रगतिशीलता हमारे भारत के ग्रंथों में, हमारी पौराणिक व्याख्याओं में होगी। यह अलग बात है कि कालांतर में ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें दूषित कर दिया और आज हमारे बीच के ही लोगों को धर्म का विरोध करना पड़ता है, हमारे लोगों के बीच के लोगों को ही हमारी संहिताओं को जलाना पड़ता है। तो आज मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि मैंने धर्म को एक नए रूप में समझा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ कहना सुना। इससे बड़ा कहने के लायक मैं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और यही मैं कहना चाहता हूँ। दो शब्द आप अनुमति दें तो ये विद्या रचना पाराशर की पुस्तक को लेकर भारद्वाज जी ने मुझसे कहा था कि इस पुस्तक के विषय में कुछ, इसका फ्लैग जब ऊपर से आएगा उस पर कुछ लिख दीजिए। तो बात करने में वक्त ज़्यादा लगता है, लगभग 100 शब्दों में मैंने जो कुछ लिखा था वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं समझता हूँ आप मेरा मंतव्य, मेरा आशय समझ जाएंगे। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम स्वास्थ्य रक्षण पद्धति है, इसे अथर्ववेद का उपवेद माना है। माना जाता है कि आयुर्वेद का प्रथम अध्ययन ब्रह्मा प्रजापति ने किया, तदोपरांत अश्विनी कुमारों ने और इंद्र ने इस विद्या का अध्ययन किया। इंद्र से यह ज्ञान महर्षि भारद्वाज ने ग्रहण किया और त्रि से पाराशर, धन्वंतरी, अत्री, सुश्रुत, वाग्भट आदि अनेक ऋषियों को प्रदान कर दिया। कालांतर में इस विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए होने लगा क्योंकि इसमें वर्णित औषधियों का आधार विभिन्न वनस्पतियां, कंद मूल, फल फूल, धातु आदि थे। अनेक धातुओं और खनिज पदार्थों के योग भी रोगहारी औषधियों के निर्माण के लिए होने लगे। भारत के निवासी हजारों वर्षों तक आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्वस्थ और निरोगी बने रहने का आनंद भोगते रहे। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी के रामचरितमानस तक में आयुर्वेद के गुणों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अंग्रेजों के आगमन के साथ ही आयुर्वेद का पराभव आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने इसे एक पिछड़ी चिकित्सा पद्धति बताते हुए अपनी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को भारत में फैलाया। दुर्भाग्य यह है कि हमारी अंग्रेजी भक्त संतानें भी आज अंग्रेजों की तरह ही सुख में। स्वतंत्रता के बाद जब देश में नई चेतना का विस्तार हुआ, परिणाम स्वरूप कुछ आयुर्वेदिक फार्मेसियां औषधियों का निर्माण करने लगी। आयुर्वेद और योग की प्राचीन पद्धतियों की पुनर्स्थापना का समय पिछले 20 वर्षों का है मेरी जानकारी के अनुसार, मैं अगर गलत हूँ तो आप सुधार दें, जब बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जैसे विद्वानों ने योग के साथ साथ बड़े पैमाने पर गुणवत्तामूलक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया और उसे पूरे विश्व तक पहुँचाया। जब आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग विश्व भर में होने लगा है और ये जनधारणा बनने लगी है कि ये औषधियाँ रोग का समूल नाश करती हैं, ये अलग बात है कि जब कोई चीज़ लोकप्रिय होती है तो उसके साथ व्यापार जुड़ जाता है। तो
आयुर्वेद भी आज व्यापार से अछूता नहीं है। मैं समझता हूँ रचना पाराशर जैसी विद्वान महिलाएं जो हमारे बीच में हैं, वे आयुर्वेद को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए इसके गैर व्यावसायिक उपयोग की बात भी करेंगे। घर घर में सारे मसाले होते हैं, सारी औषधियाँ होती हैं। पुस्तक चूँकि मैंने पढ़ी और प्रकाशन से पूर्व इसको मैंने देखा, प्रकाशन के बाद भी देखा, इसमें इस तरह के बहुत सारे उपयोग किए गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये पुस्तक आप सबके लिए उपयोगी होगी। आज मेरे लिए मैं फिर से आपके चरणों में शीश नवा कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे जीवन का पहला दिन है जब मैंने एक गुरु को इस रूप में देखा है कि मेरा गुरु वैज्ञानिक हो सकता है। जिन ऋषियों की बात हम करते हैं जो पूर्णतः वैज्ञानिक थे, जिन्होंने समय की गणना आज से हजारों वर्ष पूर्व कर ली, जिन्हें मालूम था ग्रहों के बीच की दूरियां क्या हैं, जिन्हें मालूम था सूर्य से प्रकाश कितनी देर में यहाँ पहुँचता है, आज मैं उसी परंपरा के ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके प्रति, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय गुरुदेव के प्रति। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे जो कुछ मिला है मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपनी कलम से, अपने शब्दों से वह सब कह सकूँ जो किसी न किसी तरीके से आप चाहते हैं कहना, मेरे मस्तिष्क में वो सब आए कि मैं उस बात को अपने तरीके से आदरणीय गुरुदेव को बार बार। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो बस इसी के ये डॉक्टर का काम है चेक करना कि मरीज को क्या है। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा दिमाग सही तरह से काम करे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को हम लोग अब समापन की ओर लेके चले। बड़े अच्छे भाव आप लोगों ने श्रवण किए। ऐसे भावों का विस्तार समाज को चाहिए। सब ओर से प्रयास होना चाहिए ऐसा। आप लोग भी कोशिश किया करो आयुर्वेद को अपना इंस्टेंट गीजर की तरह, बटन ऑन किया और पानी गर्म मिला, ये आदतें ठीक करो। किसी ने कुछ कहा और एकदम से अपन भड़क गए इंस्टेंट गीजर की तरह, इंस्टेंट हीटर की तरह, तो फिर मशीन में और हमारे में फर्क ही है। हमारे में घटना और हमारे बीच में विवेक भी है, हीटर और प्लग के बीच में विवेक नहीं है। ऑन हुआ और हीटर जला, हमें भी किसी ने कुछ कह दिया और हम जल भुन गए, इसका मतलब हमारा बीच का विवेक कट गया है। और विवेक नहीं है तो फिर हम इंसान भी नहीं है। उस विवेक का प्रयोग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, धीरे धीरे ठीक हो, लेकिन ढंग से रोग निवृत्ति होनी चाहिए। हम लोग आयुर्वेद में स्वस्थ शब्द प्रयोग करते हैं,
एलोपैथी में हेल्दी शब्द प्रयोग करते हैं, माना जाता है हेल्दी शब्द हीलिंग से बना है। हीलिंग का सीधा सा मतलब है पहले गड्ढा होएगा तभी भरेगा, मतलब एलोपैथी में ठीक होने से पहले बीमार होना भी जरूरी है। आयुर्वेद में हम लोग स्वस्थ शब्द प्रयोग करते हैं जीवन शैली को लेकर, किसी गड्ढे को भरने के लिए आयुर्वेद नहीं है। रोग होने ही ना पाए इस भाव से स्वस्थ शब्द है। अब तो चाइना और अमेरिका में ऐसा प्रयोग भी हो गया है, ये जो फैमिली डॉक्टर रखे जाते हैं, आपको अगर कोई रोग हो तो वो आपकी हेल्प करें। इतने साल में हम उनको देंगे या महीने में उनको देंगे, अगर आपको बीमारी हो जाए तो वो आपकी सहायता करें। प्रयोग ये किया गया इसके विपरीत कि हम आपको इतना पैसा देंगे, मान लो एक साल का 50,000, लेकिन शर्त ये है कि इस फैमिली में जितनी बार कोई बीमार होगा उतने पैसे कट जाएं। तब उसको ज्यादा चिंता हुई 50,000 लेने वाले को, तो वो और ढंग से ध्यान करने लगा कि बीमार होने ही न पाए, क्योंकि तब पैसे कटने हैं। और नतीजा ये निकला कि बड़ी मुश्किल से 10-15% बीमारों वाली संख्या रह गई। मतलब चिकित्सक दूसरी पद्धति में आ गया कि बीमार होना ही नहीं चाहिए, होने ही ना पाए। अभी तक तो ये है कि अगर तुम बीमार होते हो तो मेरे पास आ जाते। आयुर्वेद कहता है कि नहीं, बीमार नहीं हो तो भी आना है, बीमार होने ना पाए। आयुर्वेद में ये चिकित्सा पद्धति है और उसी भाव से उन्होंने प्रयोग किया। फैमिली डॉक्टर्स को पैसे पूरे दे दिए, लेकिन ये भी कहा कि जिस दिन बीमार होंगे 10,000 कट गए। उनको पहले से खतरा हो गया, वो रोज ही आने, रोज ही कहीं गर्म पानी पिया करो, पहले नहीं कभी कहा करते। पद्धतियां हैं, रोग होना ही नहीं चाहिए या जख्म हो गया हम उसको भरे, ये हेल्दी या स्वस्थ होना, ये दो अलग अलग शब्द हैं। इसी को हमारे अध्यात्म में कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने में जीने लग गए, बाहर का भटकाव बंद कर दोगे, स्व में स्थित होते तुम स्वस्थ हो जाओगे, ये अध्यात्म ने परिभाषा दिया, आयुर्वेद ने अपने ढंग से दिया। समदोषा समाग्निश्चय, समधातु मलक क्रिया, वहां भी समन्त योग की बात हो रही है, जो भगवान गीता जी में कहते हैं कि समन्त योग ही हमें अपनाना है, जहाँ मान अपमान सुख दुख संयोग वियोग हमारा चित्त कहीं भी विचलित ना हो, सम अवस्था में रहे, आवेग को प्राप्त ना हो, आवेश को प्राप्त ना हो। अगर ये अवस्था हम लोगों ने प्राप्त कर ली है, ये जीते जी हमारा वैकुंठ है, कुंठा रहित हो जाना, हम लोग उस स्वस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। सो प्रयास करो आप लोग भी इसी ढंग से जीवन जियो, तन भी स्वस्थ रहे, मन विकार मुक्त रहे, बुद्धि विवेक युक्त रहे, हमारी भावनाएं सत्वगुणी हो, निर्विकार हमारा जीवन हो। इस भाव से हम लोग आज भगवान धन्वंतरी के इन सूत्रों का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करें। दिव्य औषधियों के जो विशेष गुण हैं, आप तक ये ग्रंथ पहुंच जाएगा। ढंग से लेना है, ढंग से पढ़ना है, न समझ में आए तो पूछना भी है, जल्दी जल्दी मोहल्ले के डॉक्टर नहीं बन जाना। हमारे यहाँ बड़ा गंदा रिवाज है सोशल मीडिया के हिसाब से, जो मेथरे दवाई के रूप में बताए जाते हैं सर्दियों में, सुनते तो दिसंबर में ही है, खाए जाने जून के महीने में, और बाद में बोलते हैं मुझे बवासीर हो गई मेथरे खाने से। वो बताया था दिसंबर में और खाए जा रहे। अनुपान भेद भी देखना है, ऋतु भेद भी देखना है, जो सामने प्रयोग करने वाला है उसके शरीर का भी व्यक्तित्व तो देखना है, प्रकृति देखनी है, स्वभाव देखना, ये सब देख के फिर इलाज किया जाता है।
दूसरे ढंग से नहीं जैसा आजकल हमारे चलता है, इससे बचना है, तो इस पुस्तक का आपको पूरी तरह से प्रयोग समझ में आएगा, उपयोग कैसे करना है ये समझ में आएगा, और उसी भाव से ये आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। रचना पराशर जी का एक प्रयास, हम लोग उसको सार्थक करें, साकार रूप दें, यही उस पुस्तक की कीमत है, यही उस ग्रंथ का मूल्य है। खाली ग्रंथ का मतलब कागज बनने से नहीं होता, ग्रंथ के अंदर जो लिखा हुआ है वो अमूल्य होता है, लेकिन अगर हम उसका सदुपयोग कर लें प्राण रक्षक के रूप में, तो हमने अमूल्य को भी सार्थक कर दिया। ये हमारे यहाँ भाव माना जाता है। ऊंचे स्वर से सब लोग जय घोष करेंगे, बोलो धनवंतरि भगवान। एक बार उनका संकल्प आप लोग पढ़ ले हमारे साथ, भगवान धनवंतरि का, हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, बोलो ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारेण भेषजा अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारेण भेषजा नश्यन्तु सकला रोगा। अगर हमने कवाली बोली होती ना क्षति भूल जाती आपकी आवाज, संस्कृत नहीं आती तो क्या पढ़ोगे आयुर्वेद, क्या पढ़ोगे वेद को, क्या पढ़ोगे गीता जी को, ये तो ट्रांसलेशन सुनोगे। ये ट्रांसलेशन धनवंतरी की नहीं है, बीच वालों की होती है। समुद्र का पानी लेने कोई जाएगा तो समुद्र नहीं लाएगा, जितना उसका बर्तन होगा उतना लाएगा। वेदों की जब भी व्याख्या हुई है उसको गलत माने, क्योंकि जो जिस दिमाग से करता है व्याख्या वो उसके दिमाग की सीमा में आ जाता है, जबकि वेद अपौरुष माने, इसलिए उसको श्रुति कहा गया कि आप ढंग से सुन लो तो यही पर्याप्त। ढंग से संस्कृत पढ़ो आपको पता चलेगा, बोलो अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्तु सकला रोगा सत्यमेव व्रतम तव। धन्वंतरि जी ऐसा कहते हैं कि अच्युत अनंत और गोविंद भगवान के इन नामों का स्मरण करते हुए जो औषधि का सेवन करेगा वो औषधि उसके लगेगी, नहीं करना ऐसा नहीं कहा, भगवान की कृपा का प्रसाद हो, तुम्हारा प्रयास हो तो अवश्य में भी ये प्रयास सार्थक होते हैं। बोले नश्यन्तु सकला रोगा, ऐसा मेरा संकल्प है, मेरा व्रत है, जब भी आप लोग आयुर्वेदिक औषधि सेवन किया करो तो भगवान के तीन नामों का स्मरण करते हुए, ये भगवान धन्वंतरि के वचन हैं। इसी भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को अब संपन्न कर रहे हैं। बोलो धन्वंतरि भगवान सच्चिदानंद भगवान। आरती होगी, आप लोग बैठे बैठे प्रसाद लेंगे, पहले पीछे वाले हटेंगे जो गेट के पास है, जो कि गेट वाले नहीं हटेंगे तो इधर वाले जाएंगे कैसे। आरती होगी, प्रसाद लेते हुए आप सब लोग जाएंगे। आरती सदै गुरुदेव की but
श्री सदगुरुदेव भगवान की। पहले पीछे से उठो।